How are you? Welcome back to your EVS class. Today we are going to read chapter number 11. Chapter name Earth and Sky. Chapter ka name kya hai? Earth and Sky. As we all know that reading is the backbone of our study. So all the students read with me. Today our topic is the night sky. Night means रात, sky यानी आसमान, रात के समय का आसमान. First of all, we will read this topic and after that, we will discuss some interesting information of this topic. Let's start. All the student read with me. The night sky. Topic का नाम क्या है हमारा? The night sky यानी रात के समय. W-H-E-N, when, W-E-V-L-O-O-K, look, A-T, at, P-H-E, the, S-K-Y, sky, A-T, at, N-I-G-H-T, night, I-T, it, A-P-E-A-R-S, appears, D-A-R-K, dark. When we look means क्या होता है? देखना, at the sky. जब हम sky में देखते हैं, at night, यानी रात के समय, it appears dark. इस तरीके से, जब हम रात में देखते हैं, तो आपको ऐसा scene दिखाई देता है ना? Darkpan होता है. यानी चारों ओर अंधेरा ही. Dark का मतलब क्या होता है? अंधेरा. तो night time में हमें आसमान में कैसा दिखाई देता है? Darkpan होता है. है ना, अंधेरा सा दिखाई देता है और हमारे आसपास का जो आसपास में जो एरिया होता है वो भी हमें डार्क दिखाई देता है. यानी कि नाइट टाइम में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है. W E V C A N can S W E C T H E dark M W O N moon A N D and A L O T lot O-F-O, S-H-I-N-I-N-G, sending S-T-A-R, stars. We can see the moon and a lot of shining star. We can see, क्या देखती है हम? Moon देखती है. किस time? Night time. कहां? Sky में. और moon के साथ साथ हम क्या देखते हैं? इस तरीके से आपको मून दिखाई देता है और a lot of shining stars यानी टिमटिमाते हुए आपको stars दिखाई देती हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना. stars कितनी मात्रा में होती है, उनकी काउंटिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हम, उनको काउंट नहीं कर सकता, यानी कोई भी उनको काउंट नहीं कर सकता. किसको? स्टार्स को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं. तो जो शाइनिंग इस तरीके से आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ना स्काई में, कब? नाइट टाइम में. रिपीट करेंगे, फटाफट रीड करेंगे अभी हम. व्हेन वी लुक एट द स्काई एट नाइट इट अपीयर्स डार्क. वी कैन सी द मून एंड अ लॉट ऑफ शाइनिंग स्टार्स. नाइट टाइम में हमें इस तरीके से क्या दिखाई देता है? स्टार्स और मून दिखाई देता है. कब? कहां? स्काई में, आसमान में. नेक्स्ट एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा में आपके कुछ है तो इसको भी हम रीड करेंगे. एच ए वी ई हैव वाई ओ यू. वाई ओ यू से क्या बनेगा? यू. एस डबल ई एन सी ओ एफ ए आई एन टी फैंट. आर आई डबल बी ओ एन रिबन. फैंट रिबन यानी फैंट का मतलब फीका रिबन दिखाई देता है. उसके बाद भी हम बात करेंगे फैंट रिबन, नेक्स्ट उस पर चर्चा करेंगे, पर इसको रीड कर लेते हैं. फैंट रिबन एल आई के ई लाइन एस टी आर यू सी टी यू आर ई स्ट्रक्चर. ए सी आर ओ डबल एस अक्रॉस टी एच ई द एन आई जी एच टी नाइट.
sky sky. Have you seen a faint ribbon? Faint ribbon like structure across the night sky. रात के समय आसमान में आप एक को एक फीका faint ribbon यानी फीका ribbon से दिखाई देता है, यानी एक पट्टी सी, हल्की सी एक आपको पट्टी दिखाई देगी। आपने अगर नहीं देखी है तो आप स्काई में जरूर देखना, आपको एक आकाश के अंदर क्या है, एक फ्रंट रिबन यानी एक पट्टी सी बनी हुई दिखाई देते हैं, जिसे हम बोलते हैं आकाश गंगा। उसे क्या बोला जाता है? आकाश गंगा दिखाई देता है। इस तरीके से आपको इसे पट्टी सी दिखाई देगी, आकाश गंगा ऐसे बनी हुई होगी, यानी एक हल्का हल्का रिबन सा बना हुआ होगा। उसमें होता क्या है? THIS, this, FAINT, faint, RIBBON, ribbon, this faint ribbon, LIKE, like, PATH, path, path यानी एक रास्ते की तरह है, होता है ये जो faint ribbon होता है। HAS, has, MILLIONS, millions, ANDMILLIONS, millions, OFOSTARS, stars, INITE, रिपीट करेंगे। दिस फैंट रिबन लाइक पाथ, यानी ये जो फैंट रिबन है, फीका रिबन सा है, वो कैसा दिखाई देता है? एक पाथ की तरह दिखाई देता है। इस तरीके से एक आपको पाथ सा बना हुआ दिखाई देगा। क्या फैंट रिबन जो है उसमें होता क्या है? मिलियन एंड मिलियन ऑफ स्टार्स इन इट, मिलियंस ऑफ मिलियन स्टार्स, यानी इस तरीके से उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें स्टार्स होती है। किसमें? फैंट रिबन में। तो इसीलिए उसको फैंट रिबन बोला जाता है, क्योंकि उसमें आकाश गंगा, उसे क्या बोला जाता है? आकाश गंगा। फैंट रिबन का मीन्स क्या है? आकाश गंगा। WEBCAWLITE THE MILKY WAY मिल्की वे यानी आकाश गंगा, इसे क्या बोला जाता है? फ्रेंड रिबन को ही क्या बोला जाता है? मिल्की वे बोला जाता है। और मिल्की वे क्या होता है? आकाश गंगा, यानी आकाश में इस तरीके से एक गंगा, जैसे नदी होती है ना, गंगा नदी, गंगा क्या है? एक नदी है ना, तो जिसमें पानी बहता रहता है, तो इसी तरह आकाश में भी क्या है? एक इस तरीके का फ्रेंड रिबन दिखाई देगा आपको, जिसे मिल्की वे भी बोला जाता है। हम क्या बोलते हैं उसको? आकाश गंगा बोलते हैं। असाधारण भाषा में हम क्या बोलते हैं? आकाश गंगा दिखाई दे रही है। उसमें क्या होती है? मेनी स्टार्स होते हैं, यानी मिलियन स्टार, मिलियंस ऑफ मिलियन स्टार होते हैं, खूब सारे स्टार्स होते हैं, जैसे टिमटिमाते हुए वहां स्टार्स दिखाई दे देंगे। स्टार्स यानी तारे, चमकते हुए आपको तारे दिखाई देंगे इसमें, मिल्की वे में। ओके, रिपीट करेंगे हम फुल पूरे पैराग्राफ को। आपने रीडिंग सीखनी है ना, तो इसलिए आपको ये रीड करना पड़ेगा। ओके, तो आप इसे रीड करिएगा प्लीज। अगर आप रीड नहीं करोगे तो आपको रीडिंग नहीं आएगी, तो इसलिए रीडिंग करना बहुत जरूरी है। When we look at the sky at night, it appears dark. We can see the moon and a lot of shining stars. Next, have you seen a faint ribbon like structure across the night sky? This faint ribbon like path has millions and millions of stars in it. We call it the Milky Way. इसे हम क्या बोलते हैं? Milky Way भी बोलते हैं, यानी आकाश गंगा। ओके, तो ये था आपका पेज नंबर 141 डिस्कवरिंग बुक का, जो हमने रीड किया है। ऑल द स्टूडेंट रीड दिस पेज, पेज नंबर 141, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू।